लॉकडाउन में मजदूर मीलों पैदल चलकर अपनी मंजिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इन फासलों को पूरा करने में उन्हें न जाने कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसी घड़ी में इनकी मदद करने वाले लोग देवदूतों से कम नहीं होते। बिल्कुल ऐसी ही एक मिसाल पेश की है हाथरस पुलिस ने, जहां हरियाणा के फरीदाबाद से हरदोई तक पैदल जा रहे एक परिवार में गर्भवती महिला की तबीयत रास्ते में ही खराब हो गई और जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद सिकंदरा राव कोतवाली प्रभार प्रवेश राणा ने एम्बुलेंस की मदद से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां समय पर महिला को भर्ती करा दिया गया। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद महिला ने एक मासूम बच्चे को जन्म दिया। आप कहाँ से आ रहे थे? फरीदाबाद से आ रहे। कहाँ जा रहे हैं आप? हरदोई जा रहे हैं। ये जो बच्चे की जो जच्चा बच्चा जो बच्चे की जो डिलीवरी हुई है वो कहाँ हुई है? डिलीवरी यहीं से हुई है, हॉस्पिटल में। आपको यहाँ कौन लाया था? एम्बुलेंस लाई थी। तो अभी जैसे सुना है कि पुलिस द्वारा आपको पुलिस के खर्चे पर आपको आपके गांव भेजा जा रहा है, क्या ये बात सही है? अच्छा, पुलिस आपको मैं खर्चे के आपको भेज रही है। बच्चे के जन्म के बाद दोनों पति पत्नी ने अपने घर जाने की इच्छा जाहिर की, जिसको देखते हुए थाना प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मियों ने अपने पास से ही धनराशि जुटाकर महिला के इलाज और पति पत्नी को बच्चे को पूरी सुरक्षा के साथ निजी वाहन से हरदोई के लिए रवाना कर दिया। गांव में एक पुलिस के मानवीय चेहरा सामने आया है। एक महिला कहीं से पैदल चल के आ रही थी, जो गर्भवती थी, उसकी हालत खराब हुई, पुलिस ने उसको मदद उपलब्ध कराई। क्या पूरा मामला है? ये संज्ञान में आया था लोकल थाना पुलिस के कि एक गर्भवती महिला है जिनको सहायता की आवश्यकता है। उसमें जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने अपने वहाँ जो लोकल CHC सेंटर था उसमें दाखिल कराते हुए पूरा जो डिलीवरी हुई है बच्चे की वो कराई और उसके बाद उनको अपने व्यक्तिगत उससे ही अपने मूल जनपद सहायता करते हुए भेज दिया गया है। इसमें दोनों जो मदर और जो बच्चा है दोनों ही खतरे से बाहर हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनकी सहायता पुलिस द्वारा की। मुश्किल हालातों में जब पुलिसकर्मी भगवान बनकर ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं तो उनके लिए सम्मान का भाव और भी बढ़ जाता है, और जिस तरह से पुलिसकर्मियों ने इस परिवार की मदद की है वो सराहनीय है। हाथरस से न्यूज के लिए सचिन चौधरी की रिपोर्ट।